हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी कॉन्सेप्ट। स्टडी कॉन्सेप्ट एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आज आपके सामने मध्य प्रदेश की जो प्रमुख समाधियां और मकबरे हैं उसका वीडियो लेके आया हूं। इसमें मध्य प्रदेश में जितनी भी प्रमुख समाधियां और मकबरे हैं उसके बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी होगी और वो किस ज़िले में हैं और किस महान व्यक्ति की वो समाधि व मकबरे हैं उन सभी के बारे में जानकारी होगी। फ्रेंड्स, ये वीडियो मध्य प्रदेश के जितने भी एग्ज़ाम हैं उन सभी से संबंधित ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो है। आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और इससे पहले भी मैंने जो वीडियो बनाए हैं मध्य प्रदेश के ऊपर सामान्य ज्ञान की जानकारी पर, वो वीडियो भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। उसमें चाहे हो मध्य प्रदेश के पठार हों या मध्य प्रदेश की जातियों के बारे में, अनुसूचित जाति, जनजाति या अन्य वीडियो, उन सभी वीडियोस के लिंक आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएंगे। आप उन वीडियो को भी ज़रूर देखें और मेरे इस एजुकेशनल चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे कि आने वाले जितने भी मैं इंपॉर्टेंट वीडियो मध्य प्रदेश की सामान्य ज्ञान के ऊपर बनाऊंगा उन सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहेंगे। और इसी तरीके से आप मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान के बारे में अधिक से अधिक जानकारी ले पाएंगे दोस्तों। तो चलिए मैं इस वीडियो को प्रारंभ करने जा रहा हूँ। पहली जो समाधि है वो तानसेन की समाधि। तानसेन की समाधि कहाँ पर है? ग्वालियर ज़िले में। ग्वालियर ज़िला कहाँ पर है? ये उत्तर पश्चिम क्षेत्र में ग्वालियर पड़ता है। ये है ग्वालियर, ठीक है ना, ये ग्वालियर क्षेत्र में है तानसेन की समाधि। ठीक है, तानसेन की समाधि कहाँ पर है? ग्वालियर, ग्वालियर ज़िले में। और ग्वालियर ज़िले में गुजरी महल भी है, ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन बन सकता है इसमें कि गुजरी महल कहाँ पर है? ग्वालियर में। और जो अगली समाधि है तात्या टोपे की समाधि, ये समाधि शिवपुरी ज़िले में है। शिवपुरी ज़िले जो ग्वालियर से लगा हुआ है, ठीक है ना, ये जो ग्रीन कलर का बॉक्स है ये शिवपुरी है, ठीक है। तो ये शिवपुरी में है तात्या टोपे की समाधि। तात्या टोपे को यहीं पर अंग्रेज़ों ने फांसी दी थी और ये समाधि शिवपुरी में है। अगली जो समाधि है रानी दुर्गावती की समाधि। रानी दुर्गावती की समाधि कहाँ पर है? बड़ेला ग्राम जबलपुर ज़िले में। जबलपुर ज़िले में जो बड़ेला ग्राम है वहाँ पर रानी दुर्गावती की समाधि है ये। अगली जो समाधि है वो महारानी संख्या राजे सिंधिया की है। महारानी संख्या राजे सिंधिया सिंधिया घराने की से जुड़ी थी, सिंधिया घराने की थी। तो इनकी जो समाधि है वो शिवपुरी ज़िले में है। शिवपुरी ज़िला, ये सिंधिया घराने की रियासत थी। शिवपुरी, गुना, ग्वालियर, यहीं पे ये ग्वालियर है, ये शिवपुरी है और ये गुना है। तो ये तीन रियासत थी जो कि ग्वालियर रियासत की, ग्वालियर घराने की थी। तो ग्वालियर, ग्वालियर की जो सिंधिया घराना था, सिंधिया घराना यहीं पर राज करता था, ये उनकी रियासत थी पूरी, ठीक है ना। तो ये था, ये है ग्वालियर, ठीक है, ये शिवपुरी, शिवपुरी में ही है संख्या राजे, महारानी संख्या राजे की समाधि, और यह है गुना, ठीक है। इन तीनों क्षेत्र में ही सिंधिया रियासत थी और सिंधियाओं का राज था यहाँ पर। तो महारानी संख्या राजे को यहीं पर अंतिम संस्कार किया गया था और वहीं पर इनकी समाधि बनाई गई थी। शिवपुरी ज़िले में है इनकी समाधि। अगला है मकबरा, नवाब सिद्दीकी हसन खां का मकबरा। नवाब सिद्दीकी हसन का मकबरा कहाँ पर है? ये है भोपाल में। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी, ठीक है, ये भोपाल है, भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है और यहीं पर है नवाब सिद्दीकी हसन का मकबरा। और भोपाल में यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान है वन विहार, ठीक है, वन विहार भी यहीं पर है, वन विहार ये राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है ना। इसको चिड़ियाघर के नाम से भी जानते हैं मध्य प्रदेश में और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से। एग्ज़ाम में ये भी पूछा जा सकता है वन विहार कहाँ है। और नवाब सिद्दीकी हसन का मकबरा भी भोपाल में है। अगला है हुसैन शाह का मकबरा। हुसैन शाह का मकबरा कहाँ पर है? मांडू में। मांडू जो कि धार, धार ज़िले में है मांडू, ठीक है, वहाँ पर है। तो ये कहाँ पर? ये है धार, ठीक है ना, पश्चिमी क्षेत्र, उत्तर मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में है धार, ठीक है ना, धार ज़िले में है। धार के जो सटे हुए ज़िले हैं मध्य प्रदेश के वो हैं अलीराजपुर, झाबुआ, रतलाम, उज्जैन, और उज्जैन के बाद बाजू में लगा हुआ ये इंदौर, खरगोन और बड़वानी।
इन छः सात राज्य सात जिलों के बीच में है धार, यहाँ पर ये होशंग शाह का मकबरा है, यानी कि होशंग शाह जो थे उनका मकबरा कहाँ पर है, मांडू में है। अगली समाधि है रानी लक्ष्मीबाई की समाधि। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ पर है, ग्वालियर जिले में। ग्वालियर जिले में इन्होंने अंतिम सांसें ली थी और अपने घोड़े के साथ में उन्होंने आत्मदाह कर लिया था, ठीक है ना। अंग्रेज से लड़ती हुई वो वीरगति को प्राप्त हुई थी और ग्वालियर जिले में ही उन्होंने अपने घोड़े और अपने बच्चे के साथ में यहाँ पर समाधि ली थी और वहीं पर उन्होंने अपने आप को ख़त्म किया था अंग्रेजों से बचने के लिए। तो ये ग्वालियर ज़िला जो कि मध्य प्रदेश का उत्तर पश्चिम क्षेत्र है वहाँ पर है ग्वालियर ज़िला, पहले भी मैं बता चुका हूँ मैं, और यहीं पे जय प्लास पैलेस भी है और गुजरी महल भी है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। अगली जो समाधि है माधवराव सिंधिया जी की समाधि, माधवराव सिंधिया जो कि सिंधिया घराने के से जुड़े थे, उनकी जो समाधि है वो शिवपुरी ज़िले में है। शिवपुरी जैसे मैंने बता चुका हूँ कि शिवपुरी, गुना, ग्वालियर, ये ग्वालियर की ये सिंधिया घराने की रियासतें थी और सिंधिया घराना यहाँ पर राज करता था, तो ये शिवपुरी में थी। माधवराव सिंधिया की समाधि शिवपुरी में है। अगली समाधि है बेजू बावरा की समाधि, ये समाधि चंदेरी अशोकनगर ज़िले में, अशोकनगर ज़िले में जो चंदेरी है वहाँ पर बेजू बावरा की समाधि। अशोकनगर कहाँ पर है ये जो है, यह है अशोकनगर, ठीक है। तो ये अशोकनगर में है बेजू बावरा की समाधि, ठीक है यहाँ पर। अगली जो समाधि है गिरधारी बाई की समाधि, गिरधारी बाई जो कि रानी अवंती बाई की सहायिका थी, ठीक है ना, उनकी सहायिका थी और उनको हर क्षेत्र में वो मदद करती थी, चाहे वो युद्ध का क्षेत्र हो या फिर राजनीति का कोई भी क्षेत्र हो, उसमें गिरधारी बाई उनकी सहायिका हमेशा बनी रही और अंत समय में रानी अवंती बाई की सहायता करते हुए वो वीरगति को प्राप्त हुई। तो उनकी जो समाधि है वो मंडला ज़िले में है। मंडला ज़िला कहाँ पर है, ये है मंडला ज़िला, ठीक है। ये बघेलखंड का क्षेत्र में आता है और बघेलखंड का पठार का ये क्षेत्र कहलाता है। तो यहाँ पर है गिरधारी बाई की समाधि, यहीं पर है गिरधारी बाई की। अगली जो समाधि है कान्हा बाबा की समाधि, कान्हा बाबा की समाधि कहाँ पर है, सोडलपुर हरदा ज़िले में। हरदा ज़िला जो कि होशंगाबाद से लगा हुआ है, ये हरदा ज़िला है, ठीक है, ये हरदा ज़िला, और यहीं पर है कान्हा बाबा की समाधि। सोडलपुर जो छोटा सा एक गाँव है सोडलपुर, वहाँ पर है कान्हा बाबा की समाधि। होशंगाबाद ज़िला ये है, इसके बाजू में ये बैतूल लगा हुआ है, ये खंडवा है, ये सीहोर, ये रायसेन और इसी के बाजू से लगा हुआ ये देवास। तो ये छः जिलों से जुड़ा हुआ है के बीच में है हरदा ज़िला। अगली जो समाधि है वो मोहम्मद गौस का मकबरा, माफ़ कीजिएगा मकबरा है ये, मोहम्मद गौस का मकबरा कहाँ पर है, ग्वालियर ज़िले में, ठीक है, ग्वालियर ज़िले में। और भी मैंने आपको समाधि व मकबरे बताए हैं, जैसे कि तानसेन की समाधि, ठीक है ना, तानसेन की समाधि भी ग्वालियर ज़िले में है और मोहम्मद गौस का मकबरा भी ग्वालियर ज़िले में है, ठीक है। अगला मकबरा है दौलत खां लोधी का मकबरा, दौलत खां लोधी का मकबरा कहाँ पर है, बुरहानपुर ज़िले में। बुरहानपुर ज़िला जो कि खंडवा से विभाजित करके बनाया गया था, ठीक है ना, इसको दक्षिण का द्वार भी कहते हैं, बुरहानपुर, यह है बुरहानपुर, बुरहानपुर, ठीक है ना, इसे दक्षिण का द्वार भी कहते हैं। इसी के बाजू से लगा हुआ ये खंडवा है, ठीक है ना, ये खरगोन है, और तो ये दोनों ज़िले की सीमा बुरहानपुर से छूती है और ये इसको मध्य प्रदेश का दक्षिण का द्वार भी कहते हैं और यहीं पर है दौलत खां लोधी का जो मकबरा है वो यहीं पर है बुरहानपुर ज़िले में। अगली है मुमताज महल की जो कब्र है, मुमताज महल जो कि शाहजहाँ की पत्नी थी, मुग़ल बादशाह शाहजहाँ की पत्नी थी, उनकी जो कब्र है वो भी बुरहानपुर ज़िले में है, ठीक है। इनका जो अंतिम क्षण जो गुजरे थे वो बुरहानपुर में गुजरे थे। सबसे पहले इनको बुरहानपुर में ही इनको दफनाया गया था, उसके बाद में ये मुमताज का जो ताजमहल है उनको उनकी उनकी बॉडी को वहाँ ले जाया गया और फिर ताजमहल में जाके उनको दफन किया गया। तो पहले सबसे पहले मुमताज की बॉडी को बुरहानपुर में ही दफनाया गया था, बुरहानपुर में ही इनकी मौत हुई थी और वहीं पर इनको
इनकी कब्र बनाई गई थी। तो बुरहानपुर, जैसे ही मैंने पहले बता चुका हूँ, दक्षिण का द्वार है बुरहानपुर, ठीक है, इन्हें खंडवा से लगा हुआ है, खंडवा से विभाजित किया है इसको, और यहीं पर है मुमताज महल की कब्र। अगला है बाज बहादुर व रानी रूपमती का मकबरा, ठीक है ना, बाज बहादुर और रानी रूपमती का मकबरा, ये कहाँ पर है? ये सारंगपुर राजगढ़ जिले में है, राजगढ़ जिला जो कि आगर मालवा और शाजापुर से लगा हुआ है, साथ में ऊपर में एक गुना लगा हुआ है, भोपाल से भी चिपका हुआ है, सीहोर से चिपका हुआ है, ये शाजापुर है, ये आगर मालवा है, तो इन पांच जिलों से चिपका हुआ है ये रायगढ़, ठीक है, रायगढ़ जिला है, और यहीं पर है बाज बहादुर और रानी रूपमती का मकबरा, ठीक है ना, ये सारंगपुर राजगढ़ जिले में है। अगली समाधि है पेशवा बाजीराव जी की समाधि। पेशवा बाजीराव की समाधि कहाँ पर है? रावरखेड़ी खरगोन, खरगोन जिले में है पेशवा बाजीराव जी की समाधि। खरगोन जिला, जैसे कि मैंने पहले भी बता चुका हूँ, खंडवा से लगा हुआ है खरगोन, ठीक है ना, यह है खरगोन, ठीक है ना, तो खरगोन जिले में है पेशवा बाजीराव जी की समाधि, और ये है रावरखेड़ी, एक गांव है, एक जगह है, वहाँ पर इनकी समाधि बनाई गई है और वहीं पे इनका अंतिम संस्कार किया गया था। और इससे लगे हुए जो ज़िले हैं मध्य प्रदेश के, वह हैं बड़वानी, खरगोन और बुरहानपुर, ऊपर में इंदौर लगा हुआ है, और बाजू में ये धार, और यहाँ बाजू में ये देवास भी है। तो ये पांच ज़िले की सीमा छूती है मध्य प्रदेश की खरगोन से, और यहाँ पर पेशवा बाजीराव जी की समाधि यहीं पर है, खरगोन ज़िले में रावरखेड़ी गाँव में स्थित है। अगली समाधि है झलकारी बाई की समाधि। झलकारी बाई जो कि रानी लक्ष्मीबाई की सहायिका थी, रानी लक्ष्मीबाई की मदद करती थी हर क्षेत्र में, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो या युद्ध का क्षेत्र, सभी में रानी लक्ष्मीबाई जी की मदद की थी इन्होंने, और अंतिम क्षणों में भी रानी लक्ष्मीबाई की साथ में रही थी, और अंग्रेजों से युद्ध करते हुए वो वीरगति को प्राप्त हुई, और ये भी ग्वालियर ज़िले में ही इनकी समाधि है, और ग्वालियर में ही इनका अंतिम वक्त वहीं पे गुजरा, और अंग्रेजों से लड़ती हुई वीरगति को प्राप्त हुई, यह है ग्वालियर जिला, ठीक है, यहीं पे रानी लक्ष्मीबाई जी की समाधि भी है इसी क्षेत्र में, और यहीं पे झलकारी बाई की भी समाधि यहीं पर है, ठीक है। अगली है मजारें। बालजती शाह और मस्तान अली शाह की जो मजारें हैं वो धमौनी सागर जिले में हैं, ठीक है ना, धमौनी एक जो जगह है वहाँ पर, और ये सागर जिले में है, वहाँ पे इनकी मजारें बनाई गई हैं, यहीं पे धमौनी उर्स एक मेला लगता है मुस्लिमों का, वो भी यहीं पे लगाया जाता है, ठीक है ना, एक मेला है धमौनी, वो भी इन्हीं की मजारों के पास में लगाया जाता है, प्रतिवर्ष लगाया जाता है वो मेला, और इनकी मजारें यहाँ पर सागर में है, ठीक है, और सागर से लगे हुए ज़िले आपको बता देना चाहता हूँ, विदिशा, ठीक है ना, इधर ऊपर में अशोकनगर, और ऊपर में ये टीकमगढ़, छतरपुर, दमोह, और नीचे में यहाँ पर नरसिंहपुर, और ये रायसेन, ठीक है ना, तो टोटल सात, कुल सात ज़िले हैं जो कि सागर की सीमा को छूते हैं मध्य प्रदेश के, और यहीं पर है ये बालाजी शाह और मस्तान अली शाह की मजारें जो कि धमौनी सागर जिले में है, और यहाँ पर धमौनी का उर्स भी मनाया जाता है, और वहाँ पे मेला भी लगता है। अगली समाधि है मत्स्येंद्र पीर की समाधि जो कि उज्जैन जिले में है, उज्जैन जिला जो कि इंदौर से लगा हुआ है, ठीक है ना, ये पीले कलर का जो सर्किल है ये है उज्जैन, ठीक है ना, उज्जैन जिले में है, और इसी के बाजू से लगा हुआ ये इंदौर है, ठीक है ना, इंदौर से लगा हुआ ये बाजू में धार, रतलाम, आगर मालवा, शाजापुर और देवास, ठीक है, और ये नीचे लगा हुआ खरगोन, खरगोन तो माफ कीजिएगा, इंदौर से लगा हुआ है, ये जो पांच ज़िले हैं, ठीक है ना, रतलाम, आगर मालवा और शाजापुर और ये धार और देवास, ये पांच ज़िले जो कि उज्जैन से छूते हैं, और यहाँ पे मत्स्येंद्र पीर की समाधि यहीं पर है, ठीक है ना, इस ज़िले में।
दोस्तों मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने मित्रों में, अपने सर्किल में, जिससे कि वो भी इस वीडियो से फ़ायदा ले सकें और मध्य प्रदेश की सामान्य ज्ञान की जानकारी ले पाएँ। इससे पहले भी मैं जो वीडियो बना चुका हूँ उनके लिंक आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएंगे और उन वीडियोज़ को भी आप देखें जो जिसमें कि मध्य प्रदेश की सामान्य ज्ञान की जानकारी है। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें, क्योंकि बेल आइकन को आप क्लिक करेंगे तो जितने भी वीडियोस मैं डालूंगा नए उनके सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे और आप मेरे सारे वीडियोस को आप देख पाएंगे। दोस्तों इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।